क्लास सेवन लेसन नंबर फोर रस्टी प्लेड होली। रस्टी होली खेलता है। इन द अर्ली इवनिंग जल्दी शाम को, व्हेन इट वाज स्टिल डार्क जब थोड़ा ज्यादा सा अंधेरा था, रणवीर स्टॉप इन द जंगल बिहाइंड मिस्टर हॉरिसन्स हाउस। रणवीर मिस्टर हॉरिसन के घर के पीछे जंगल में रुक गया। एंड सेलेक्ट हिज ड्रम और अपने ड्रम को पीटा बजाया। हिज थिक मास ऑफ हेयर बालों का उसका मोटा परत, यानी कि बालों के ऊपर उसकी मोटी परत, बालों की मोटी परत वाज कवर्ड ढकी हुई थी। वाज कवर्ड विद रेड डस्ट लाल धूल से, यानी उसके बालों की जो मोटी परत थी वो लाल धूल से ढकी हुई थी। एंड हिज बॉडी और उसका शरीर नेक्ड वर्ड फॉर ए क्लॉथ राउंड हिज वेस्ट जो कि नंगा था, नंगे से मतलब है कपड़ा नहीं था, बट फॉर ए क्लॉथ राउंड हिज वेस्ट उसके कमर के चारों कपड़े के अलावा नंगा था, अधखुला था। वाज स्मीयर ग्रीन हरा पुता हुआ था, यानी कि हरा रंग उसके शरीर से लगा हुआ था, केवल कमर के चारों ओर कपड़ा था उसको छोड़कर। ही लुक्ड वह दिखता था कैसा, लाइक ए पेंटेड गॉड चित्र यानी पेंट किए हुए देवता की तरह, वह पेंट किए हुए चित्रित किए हुए देवता की तरह लगता था। ऐसा लगता था कि उसको ऊपर देवता है, ऐसा रंग लगा दिया था, लग गया था उसको ऊपर, यानी कि उसने अपने आप को ऐसा बोत लिया था कि वह ऐसा लगता था जैसे कि देवता हो। आफ्टर ए मिनट एक मिनट के बाद ही स्लैम्ड उसने फिर बजाया, थप्पड़ मारा उसके ड्रम में पीटा उसे। ही स्लैम्ड द ड्रम उसने ड्रम बजाया अगेन माने दोबारा, यानी कि एक मिनट के बाद उसने दोबारा ड्रम में थप्पड़ मारा यानी कि ड्रम बजाया। देन माने तब सेट डाउन ऑन हिज हील्स तब वह अपने हील्स कहते हैं एड़ियों पर बैठ गया। एंड वेटेड और इंतजार किया, और इंतजार किया वेट माने इंतजार किया, सेकंड फॉर्म में वेट की। रस्टी वो साउंड ऑफ द सेकंड ड्रम बीट, रस्टी ड्रम बीट यानी ड्रम पीटने की दूसरी आवाज से, दूसरी बार पीटने की आवाज से ज्यादा, पहली बार से ज्यादा नहीं, जब रणवीर ने दूसरी बार ड्रम बजाया उस आवाज से ज्यादा, यानी रस्टी ड्रम पीटने की दोबारा ड्रम पीटने की आवाज से ज्यादा। एंड ले और बेड बेड यानी बिस्तर में लेट गया, जाग तो गया क्योंकि लेटा रहा था। एंड लिसन और सुना यानी कुछ आवाज को सुना। इट वाज रिपीटेड यह दोबारा हुई थी, दोबारा हुई जिसका मतलब है आवाज दोबारा हुई। ट्रेवलिंग ओवर द स्टिल एयर शांत हवा में भ्रमण करते हुए, यानी कि उसने जब ड्रम बजाया था जंगल में तो वहां का वातावरण शांत था, तो शांत हवा में यात्रा कर, यात्रा करने से मतलब गूंज रही है आवाज, आवाज गूंजते हुए दोबारा आवाज आई उसके पास। एंड इन थ्रू द बेडरूम विंडो और थ्रू कहते हैं माध्यम से, द बेडरूम विंडो कहते हैं बेडरूम की खिड़की से, यानी कि वह आवाज घूमती हुई हवा में चलती हुई यात्रा करती हुई कमरे की खिड़की से अंदर आई। ढम ए डबल बीट नाउ, ढम ढम की एक दोबारा एक आवाज आई, वन डीप एक नीची एंड वन हाई और एक ऊंची। रस्टी रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, रस्टी ने अपना वायदा याद किया दैट ही वुड प्ले होली विद रणवीर कि वह रणवीर के साथ होली खेलेगा। मीट हिम इन द जंगल, जंगल में मिलेगा। When he beat the drum, जब वह ड्रम ढोल बजाएगा। But he made a promise on the condition, लेकिन उसने एक शर्त पर वायदा किया था that कि
हिज गार्डियन डिड नॉट रिटर्न, कि उसके गार्डियन यानी कि अभिभावक ना लौटे। ही कुड नॉट पॉसिबली कीप इट नाउ, वह संभवतः इसको अब नहीं रख सकता था, यानी इस वादे को अब नहीं रख सकता था। ढम ढम यानी ढोल बजने की आवाज, ढम ढम स्पोक द ड्रम इन द फॉरेस्ट, ड्रम ने यानी ढोल ने ढम ढम की आवाज बोली जंगल में, यानी जंगल पर ढम ढम में ड्रम ने ढम ढम की आवाज बोली यानी ड्रम बजा। ढम ढम इंपेशेंट एंड एनॉयड, अधीर और निराश होते हुए, निराश होकर वाई कैंट ही शट अप, वह बंद क्यों नहीं रह सकता, यानी कि वह ढोल बजाना बंद क्यों नहीं रख सकता। मटर्ड रस्टी, रस्टी बुदबुदाया। डज ही वांट अवेक मिस्टर हैरिसन, क्या वह मिस्टर हैरिसन को जगाना चाहता है। होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, होली रंगों का त्यौहार, बसंत ऋतु का आगमन। द रिवर ऑफ न्यू ईयर, नए वर्ष का पुनर्जन्म। द अवेकनिंग ऑफ लव, प्रेम का जागना। व्हाट आर दीज थिंग टू हिम, ये चीजें उसके लिए क्या थी, कुछ नहीं, वो तो आराम से घर बैठा था। He did not concern his life, उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की। He could not start a new life, not for a one day, वह अपने नए जीवन को स्टार्ट न कर सका, not for one day, एक दिन के लिए। And besides, it all sounded very primitive, और इसके अतिरिक्त यह सभी बहुत पुरानी आवाज लगती थी, जैसे कि ढोलों का बजना, इस प्रकार की आवाजें बहुत पुरानी थी। ढम ढम और आवाज आई ढम ढम की। द बॉय सेट अप इन द बेड, लड़का अपने बिस्तर पर बैठ गया। द स्काई हैड ग्रोन लाइटर, आसमान थोड़ा हल्का हो चुका था, कहने का मतलब है आसमान कम दिखाई दे रहा था। फ्रॉम द डिस्टेंस बाजा केम ए न्यू म्यूजिक, मैनी ड्रम्स एंड वॉइस। From the distance बाजार, दूरस्थ बाजार से एक नया संगीत, बहुत से ढोलों की आवाज और दूसरे प्रकार की आवाजें आई। फैंट कुछ धीमी धीमी आवाजें आई, बट स्टेडी, लेकिन लगातार, रोविंग इन रिदम एंड एक्साइटमेंट, जो कि लगातार थी और लय में और किनारों में बन रही थी। द साउंड कन्वेड समथिंग, आवाज ने कुछ प्रकट कर दिया। दैट बिलोंग टू हिज ड्रीम वर्ल्ड, जो कि उसके सपनों के संसार से संबंध रखता था। एंड ऑन ए सडन इंपल्स ही स्प्रैंग आउट ऑफ बेड, और एक अचानक आवेग में वह बिस्तर से उछला। ही वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गया। एंड लिसन द हाउस, एंड लिसन और सुना, द हाउस घर को, द हाउस वाज क्वाइट, और सुना द हाउस वाज क्वाइट, घर शांत था। ही बोल्टेड द डोर, उसने दरवाजे को धक्का दिया। द कलर्स ऑफ होली, ही न्यू होली के रंग, वह जानता था। गुड स्टेज हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को गंदा कर देंगे। सो मान इसलिए ही डिड नॉट रिमूव हिज पायजामा, इसलिए उसने अपना पायजामा नहीं उतारा। आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो से विंडो पर चढ़ा
मिस्टर, तुमको देर हो गई मिस्टर, सेट रणवीर, रणवीर ने कहा आई थॉट, मैंने सोचा यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा कि तुम नहीं आ रहे थे। ही हैड बोथ हिज फिस्ट क्लोज, उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली थी उसने, बट व्हेन ही वॉक्ड टुवर्ड्स रस्टी, लेकिन जब वह रस्टी की तरफ चला, ही ओपेंड देम, उसने उनको खोल लिया, यानी मुट्ठियों को खोल लिया। स्माइलिंग वाइडली, ए वाइड स्माइल ऑन हिज फेस, तेजी से मुस्कुराते हुए और उसके हरे चेहरे पर, यानी उसका चेहरा हरे रंग से पुता हुआ था, हरा रंग लगा हुआ था, उस पर एक सफेद स्माइल थी, थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। इन हिज राइट हैंड वाज द रेड डस्ट, उसके सीधे हाथ में लाल डस्ट, भूल जाने गुलाल था, उसके सीधे हाथ में लाल गुलाल था। एंड इन द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड में खुले हाथ में द ग्रीन डस्ट, हरा गुलाल। एंड विद हिज राइट हैंड, और अपने सीधे हाथ से ही रब्ड द रेड डस्ट ऑन रस्टीज लेफ्ट, अपने सीधे हाथ से उसने लाल धूल यानी लाल गुलाल रस्टी के लेफ्ट चीक पर, लेफ्ट गाल पर रगड़ा मला। एंड देन, और तब बेटा अदर हैंड, दूसरे हाथ से ही पुट द ग्रीन डस्ट ऑन बॉयज राइट चीक, और दूसरे हाथ से उसने हरा गुलाल लड़के के सीधे गाल पर रख दिया, मल दिया। ही स्टूड बैक, और पीछे खड़ा हो गया, एंड लुक्ड एट रस्टी, और उसने रस्टी की तरफ देखा, एंड लाफ्ड, और हंसा। देन अकॉर्डिंग टू कस्टम, तब रीति रिवाज के अनुसार, ही एम्ब्रेस्ड द रिवाइलर बॉय, उसने हैरान लड़के को गले लगाया। कम आओ से रणवीर, रणवीर ने कहा आओ, लेट अस गो, आओ चले, एंड मेक द टाउन ए रेनबो, और शहर को एक रेनबो बनाए, यानी रणवीर बनाए, इंद्रधनुष से रंग दे, इंद्रधनुष के रंगों से रंग दे। चिल्ड्रन फॉर्म ग्रुप्स, चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स, बच्चों ने समूह बनाए, देवर आर्म मैनली विद बाइसिकल पंप्स, वे मुख्य रूप से पिचकारियों से सुसज्जित थे, सजे हुए थे, यानी कि उनके पास पिचकारियां थी, और पंप्स फैशन्ड फ्रॉम बम्बूज हैं, और पंप्स यानी कि जो पिचकारी थी, नलियां थी, वो बांस के तने से बनाई गई थी, फ्रॉम विच वाज स्पटेड लिक्विड कलर, जिससे गीला रंग की पिचकारी माननी थी, जिससे गीला रंग छोड़ना था या पिचकारी माननी थी। एंड द चिल्ड्रन परेड द मेन रोड, और लड़कों बच्चों ने मुख्य सड़क पर चैंपियंस रैली शोर करते हुए, जोर से बात करते हुए, एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स, अपने हाथों से ताली बजाते हुए प्रदर्शन किया। द मैन एंड द वुमन प्रिफर्ड द डस्ट टू द वाटर, आदमी और औरत पानी से ज्यादा धूल को पसंद करते थे, धूल यानी कि वही रंगीन धूल गुलाल को पसंद करते थे। रणवीर वाज मेट बाय सम फ्रेंड्स एंड ग्रीटेड विद ग्रेट हिलैरिटी, रणवीर कुछ मित्रों से मिला था और उसका स्वागत किया गया था मित्रों के द्वारा विद ग्रेट हिलैरिटी, कहते हैं बहुत बड़े उल्लास के साथ, यानी बहुत बड़े उल्लास के साथ उसको स्वागत किया गया था। ए बाइसिकल पंप वाज डायरेक्टेड एट रस्टी, ए बाइसिकल पंप वाज डायरेक्टेड एट रस्टी, और एक पिचकारी रस्टी के ऊपर तनी हुई थी, बिल्कुल सीधे तनी हुई थी। एंड ए जेट ऑफ सूखी ब्लैक वाटर स्पटर्ड इनटू हिज फेस, और सूटी कहता है काले भरा हुआ, यानी काला, बहुत ज्यादा काला पानी की धार उसके चेहरे पर लगी, यानी कि एक काला पानी की धार ने उसके चेहरे पर पिचकारी मारी, यानी पिचकारी से एक धार मारी। ब्लेंडेड फॉर मूवमेंट, कुछ क्षण के लिए अंधा होकर रस्टी ब्लेंडेड
से टकराने लगा। Then his eyes clear, तब उसकी आंखें साफ हो गई, रन हट गया, तो ही क्लियर तो वह भी साफ हो गया, इसका मतलब हो गया वो अच्छी तरह से देखने लगा। He blinked, वह पलक झपकता था। And looked widely around at the group of the boys and the girls, और लड़के लड़कियों के ग्रुप के चारों ओर दूर दूर तक देखा। Who were cheered, जो प्रसन्न थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। And danced in front of him, और उसके सामने नाचते थे। Then तब one by one, एक एक करके रणवीर फ्रेंड अप्रोच्ड रस्टी, तब एक एक करके रणवीर के फ्रेंड यानी मित्र रस्टी के पास पहुंचे। जेंटली, हल्के से, नम्रता से, दे रन द रस्ट ऑन द बॉय चीक्स, उन्होंने लड़के के गालों पर राख व मिट्टी का गुलाल मला। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसको गले लगाया। रस्टी कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, और रस्टी एक दूसरे को नहीं पहचान सका। बट दिस जेंटल ग्रीटिंग कमिंग सो सून आफ्टर द स्टॉर्म बाय स्ट्रैक, लेकिन इस नम्र स्वागत ने जो कि तूफानी वेग से साइकिल के आक्रमण के तुरंत बाद आया, रस्टी को और अधिक परेशान कर दिया। इस स्वागत ने जो कि तीव्र गति से पिचकारी मारी थी ना, उसके बाद तुरंत आया था, उसने रस्टी को और ज्यादा परेशान कर दिया। रणवीर से रणवीर बोला, क्या बोला? नाउ यू आर वन ऑफ अस, अब तुम हमें से एक हो, यानी कि हम जैसे हो गए, कम आओ। एंड रस्टी वेंट विद हिम, और रस्टी उसके साथ, विद हिम एंड अदर्स, और रस्टी उसके और दूसरे लोगों के साथ चला गया। ऑल डे, पूरे दिन रस्टी रोम्ड द टाउन एंड कंट्री साइड विद रणवीर एंड हिज फ्रेंड्स, पूरे दिन रस्टी शहर और देहात में रणवीर और उसके मित्रों के साथ घूमा। फॉर वन डे, एक दिन के लिए रणवीर एंड हिज फ्रेंड्स फॉरवर्ड देयर होम्स एंड वर्क एंड द प्रॉब्लम ऑफ नेक्स्ट मील एंड डांस्ड डाउन द रोड्स। यस, फॉर वन डे, एक दिन के लिए रणवीर और उसके फ्रेंड यानी कि मित्र अपने घरों को, कार्यों को और अगले दिन के खाने की समस्या को भूल गए और सड़क के नीचे नाचने लगे। आउट ऑफ द टाउन, शहर के बाहर, एंड इन द फॉरेस्ट, जंगल में, यानी शहर के बाहर जंगल में नाचने लगे। एंड फॉर वन डे, और एक दिन के लिए रस्टी फॉरवर्ड हिज गार्डियन एंड द मिसिंग वाइफ, और एक दिन के लिए रस्टी अपने अभिभावक और ईसाई धर्म के प्रचारक की पत्नी को भूल गया। एंड रैन विद द अदर्स थ्रू द टाउन एंड इन टू द फॉरेस्ट, और दूसरे लड़कों के साथ शहर से होकर जंगल में चला गया।